केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। तमाम कोशिश के बाद भी भाजपा के दर्जा प्राप्त मंत्री संजीव सिक्का व महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी स्वयं को बचा नहीं पाए। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के 164 के बयान को आधार बनाते हुए रमेश चंद्र गुप्ता के साथ ही इन दोनों भाजपा नेता को भी आरोपी बनाते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है। 164 के बयान में पीड़िता ने जिस तरह आप बीती का उल्लेख किया है, उसने पार्टी को भी शर्मसार कर दिया है। पीड़िता ने बताया कि किस तरह रमेश चंद्र गुप्ता ने शुरू में जबरन बनाई गई अश्लील वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए भाजपा महामंत्री अरविंद मारवाड़ी का उसे शिकार बनवाया। दर्जा प्राप्त मंत्री ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और जो कमी रह गई उसने मंत्री को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से बाहर कर दिया। पुलिस ने मंत्री को छेड़छाड़ समेत पास्को का आरोपी बनाया है, जबकि अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता व अरविंद मारवाड़ी को सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी पाते हुए पास्को लगाया गया है। पुलिस ने यह सारी लिखा पड़ी पीड़िता के 164 के बयान के आधार पर की है, जबकि इससे पहले उसने 161 CRPC बयान में बताया था कि वह 26 मई को मौसी व भाई से कहा सुनी होने के कारण अपने घर से चली गई थी। तब से 16 जून बरामदगी तक वह एक होटल में रही। पीड़िता ने यह भी कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं ले गया था। मेडिकल कराने से भी पीड़िता ने इनकार कर दिया था, जिस कारण उसका मेडिकल नहीं कराया गया। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि 164 के बयान की जरूरत तब पड़ती है जब यह आरोप लगाती कि उसे कोई ले गया था अथवा उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। वहीं पीड़िता ने 164 के बयान में उल्लेख किया है कि रमेश चंद्र गुप्ता के शोषण का दौर जारी था। इस बीच 5 मार्च को रमेश चंद्र के चुनाव जीत की खुशी में मारवाड़ी भोजनालय में पार्टी की गई। यहां संजीव सिक्का व अरविंद मारवाड़ी भी मौजूद थे। एक सप्ताह बाद रविवार को जब वह रमेश चंद्र गुप्ता के आवास स्थित कार्यालय पर पहुंची तो वहां अरविंद भी मौजूद था। उसे खाना दिया गया जिसे खाकर वह बेसुध हो गई। होश आया तो बहुत कुछ हो चुका था। इसके बाद यौन शोषण का यह क्रम चलता रहा। मार्च के अंत में संजीव सिक्का से रमेश चंद्र के आवास पर उसकी मुलाकात हुई। यहां उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए संजीव के साथ कमरे में भेज दिया गया। यहां उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इस घटना के बाद उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था। युवती का यह भी कहना है कि उसने रमेश चंद्र गुप्ता, अरविंद मारवाड़ी व संजीव सिक्का के दबाव में आकर घर छोड़ा था। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।